चल रहा है। जय महाकाल दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं और किस बारे में बात करने आया हूं थंबनेल को देख के आप लोग जान गए होंगे। जी हां दोस्तों, मैं कल के आंदोलन के बारे में बात करने आया हूं और महाकाल की कृपा से ये आंदोलन जरूर सफल होगा। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि आपको कल एनी हाउ विधानसभा पहुंच जाना है, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होगा, नीचे संपर्क सूत्र दिया हुआ है, नीचे जाके संपर्क कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल जो आंदोलन होने वाला है 10 बजे से विधानसभा सत्र के सामने किया जाएगा और आप लोगों के लिए नाश्ता का भी व्यवस्था करवाया जाएगा। टेंशन नहीं लीजिए, सारा व्यवस्था हो रहा है। जो भी चंदा इकट्ठा की गई है उससे नाश्ता भी करवाया जाएगा आपको। और साथ ही साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि आप लोग अपने साथ में पानी बोतल ज़रूर लेते आएँ और साथ ही साथ आप अपने साथ साथ छाता लेते आएँ, क्योंकि मौसम अभी ऐसा है कि हो सकता है बीच में बारिश हो। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आप लोगों को छाता लेके आना है। भोलेनाथ की कृपा से ज़रूर हमारा आंदोलन सफल होगा और हमारा जो J8 का जो आंदोलन हो रहा है, यानी J8 को करियाने का जो प्रयास हो रहा है, ये सफल होगा। या तो हमें कोई मतलब नहीं है कि झारखंड सरकार सीधा नियुक्ति करे या परीक्षा के थ्रू एग्ज़ाम ले। हमें बस J8 के लिए आंदोलन करना है। J8 लेने के बाद आप सीधा नियुक्ति कीजिए या एग्ज़ाम से नियुक्ति कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। आप जैसा भी लीजिएगा, हम लोग सभी चीज़ के लिए रेडी हैं, ठीक है। बाकी बात हमारा काम है कि शिक्षक बहाली होने के पूर्व ही J8 का आयोजन करवाया जाए, ताकि 5 साल से जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं सभी को मौका मिले, ठीक है। और जो इसका विरोध करेगा, हम भी उसका विरोध करेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, कल दिनांक 7 सितंबर 2021 को विधानसभा आप लोगों को 10 बजे तक एनी हाउ पहुँच जाना है, ठीक है। भाइयों एवं बहनों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है और महाकाल की कृपा से ये सफल होगा। जय महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई लोग, सबको आना है आंदोलन में और इस आंदोलन को सफल बनाना है, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है। बाकी बात फिर बाद में कोई मत बोलना, अगर जो लोग नहीं आया, समझ लेना बाबू कि आप लोग अपने भविष्य को लेकर नहीं सोचते हो, सिर्फ कमेंट करते हो कि कब होगा J8, कब होगा J8। इसलिए आप लोग मेरी बात को समझो और J8 के लिए प्रयास करो और अपनी बात सरकार से मनवाना है, क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि J8 ले ले। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है और इस मेहनत के कारण आप लोगों का J8 का आयोजन होगा और आप शिक्षक नियुक्ति में भाग लेने योग्य बन जाओगे। फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कल विधानसभा में मिलते हैं, ठीक है। बाय 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 बाय।